तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्थान पर, मानुषगंज में हम लोग पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं कितना दूर है, वहां पर सेटअप लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो भाई हो चुका है सुबह और यहां पर सेटअप आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने लगा रखा है, और फटाफट से इसे खोलते हैं। और मॉर्निंग टाइम है अभी फिलहाल, और अभी चलते हैं फटाफट से रामानुजगंज, और बोलबम के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। और बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, दोस्त लोग, फ्रेंड लोग, वो सारी चीज़ आ रहे हैं। तो चलिए साथ में चलते हैं, और ब्लॉग को इन्जॉय करिएगा लास्ट तक, और देखते रहिएगा वीडियो को, और लाइक शेयर कर दीजिएगा। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्थान पर, और इधर पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारा भीड़। अभी चलते हैं, जल उठाते हैं। रामानुजगंज में हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत सारे दोस्त आए हैं, और पीछे आप देखिए, पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत सारे बम लोग आए हैं, और इधर जल वहां से उठाना है हम लोगों को, आप देख सकते हैं। और ये कुछ इस टाइप से नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, शॉर्ट वीडियो है आपके लिए। और सेटअप जो है वो उधर लगा हुआ है, तो वो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर जल उठाने जाऊँगा। फिलहाल उधर सेटअप लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं पूरा सूख गया है, कन्हर वहां पर है पुलिया, और ये आपका झारखंड बॉर्डर ये आपका होता है, और इधर थोड़ा गिल्ला है मट्टी, देख सकते हैं। और पीछे है सेटअप, पीछे सेटअप लगा हुआ है, और इधर पिंटू और आगे हैं दोस्त लोग सब। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं, और यहाँ से हम लोग जल उठाएंगे और ताता पानी की ओर हम लोग जाएंगे, ताता पानी में जल चढ़ाएंगे, और नज़ारा कुछ आप देख सकते हैं। बादल अभी किया हुआ है, अभी बादल है फिलहाल। सेटअप आप देख सकते हैं कितना दूर है, वहाँ पर सेटअप लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर टेंपल, और इधर
यहाँ छत्तीसगढ़, ये बॉर्डर, ये झारखंड, यहाँ झारखंड। तो अभी फिलहाल हम लोग झारखंड में एंट्री करने वाले हैं। तो चलिए जल उठाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इधर सारे कांवर यात्री, हमारे गांव के दोस्त लोग। छोटे बाबा, तो चलिए चलते हैं, जल उठाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई हम लोग तातापानी पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा होगा। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, मतलब यहाँ पर लगभग 10,000 के आसपास जो है लोग थे और आते थे जाते थे, मतलब बोलबम था तो जल चढ़ाते थे और रिटर्न हो जाते थे। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भीड़ आपको मिल जाता है और यहाँ पर भोले बाबा का दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी विशाल मूर्ति है और भोले बाबा का मूर्ति आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारा भीड़ और बहुत सारे लोग आए हैं जो कि आप देख ही सकते हैं। और भीड़ इतना ज़्यादा था कि जल चढ़ाने में लाइन लगना पड़ रहा था और जल चढ़ाने में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। और अंदर जाने में आपको कम से कम मतलब 30 आधा घंटा के आसपास जो है हम लोग लाइन पर खड़े हुए, उसके बाद हम लोग जल चढ़ाए, उसके बाद जो है मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ फिलहाल और वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, इन्जॉय करिए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिलहाल आज के ब्लॉग वीडियो में बस इतना ही था, ज़्यादा मैं यहाँ पर जो है अपने फेस कैम नहीं कर पाया हूँ और थोड़ा सा आपको डिटेल्स बस देने की कोशिश कर रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर कैसा माहौल है और कितना भीड़ है। फिलहाल तो आप भीड़ देख ही सकते हैं, अंदाज़ा लगा ही सकते हैं और आप विशाल देख सकते हैं मूर्ति आप भोले बाबा का, शिव शंकर जी का, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ऊपर भी बहुत सारे लोग थे और नीचे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।